हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू विजन एकेडमी। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 4 आर ए इंटरमीडिएट क्लास यानी 12 क्लास और आईआईटी जेई मेंस के लिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट, मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन यानी कि एन कैप क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर एन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज आल्सो ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज वेक्टर एन कैप, और वेक्टर एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। जैसे इस तरह से है, सपोज दैट ए है, वेक्टर ए सपोज दैट ए हो गया एंड दिस इज वेक्टर बी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी एन कैप की डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसी की वजह से वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो रहा है, इसी की वजह से वेक्टर प्रोडक्ट यानी दो सदिश राशियों का प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, वो भी सदिश राशि होती है। तो इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो गया, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक। अब एरिया, आप जैसे इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम जैसे निकालना हो हमें, एरिया ऑफ पैरेलल ग्राम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, और ए बी सी डी से जैसे फॉर्म हुआ था वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ़ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेलल ग्राम देन, तो पैरेलल ग्राम के एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, और ये क्या होगा, मार्ड वेक्टर ए मार्ड वेक्टर बी एंड साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। साइन थीटा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एन होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होता है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, इट नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट क्या है, कम्यूटेटिव। एंड सेकंड क्या है प्रॉपर्टी, जैसे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या, टू वेक्टर्स एंड एम इज स्केलर, एम क्या हो, स्केलर हो, तो यम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यम को हम स्केलर है इसलिए बाहर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बाहर यम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। ये हो गया यम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से हो गया, ठीक है। ए सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, एंड थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स हों एंड एम एन आर टू स्केलर्स, क्या हों, एम एन आर टू स्केलर्स एंड एम वेक्टर ए क्रॉस एन वेक्टर बी इक्वल टू एम एन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एम एन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि यम वेक्टर ए क्रॉस एन इंटू वेक्टर ई, वेक्टर ए क्रॉस एन इंटू वेक्टर बी ए लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं क्या, एन इंटू यम वेक्टर ए क्रॉस यम वेक्टर ए क्रॉस इंटू वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर बी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट,
तो ये हो गया इस तरह से, दिस इज प्रॉपर्टी। एंड क्या डिस्ट्रीब्यूटिटी ऑफ ए वेक्टर्स प्रोडक्ट, यानी इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, यानी तीन वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यदि इस तरह से हमें दिस इज गिवन तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक समझ में आया है। एंड अब हम यूनिट वेक्टर के बारे में जो है करेंगे, इफ आई यानी कि आई क्या है, यानी कि यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी आई कैप, आई कैप कोई भी कैप अगर लगा हुआ हो तो यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक, एंड के कैप, के कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सिस, समझ में आ रहा है, तो आई कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप एंड क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या है, जीरो, ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है ना। एंड आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैप, यानी अगली वाली टर्म आई जे के अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K कैप एंड J क्रॉस K, यानी J कैप क्रॉस K कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कैप, J क्रॉस K कैप इक्वल टू I कैप एंड K क्रॉस यानी K कैप क्रॉस I कैप इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू J कैप। ये प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर का, इसको ढंग से जो है याद कर लीजिएगा दो तीन बार लिख के। तो आई क्रॉस यानी हमेशा कैप क्यों लगाएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है, एंड जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, यानी आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो, यानी कि सेल्फ का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या होगा, जीरो होगा, और आई क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, यानी उसके अगले वाला टर्म, इफ आई जे के आर सर्कुलर फॉर्म एंड जे क्रॉस के इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। तो इसमें क्या है, जैसे इफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, ए वन आई कैप, ए वन क्या है आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ए थ्री क्या है के कैप, एंड इसी तरह से वेक्टर बी, वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप एंड प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है, एंड बी थ्री क्या है के कैप, क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डिटर्मिनेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, यानी आई कैप हो गया जे कैप एंड के कैप, इधर भी लगा लेते हैं हम, एंड ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री हो गया एंड बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है,
ये हो गया इस तरह से, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के हो जाएगा। और इसके बाद ए वन ए टू ए थ्री, ठीक, ए वन ए टू ए थ्री होगा, तो इस तरह से। और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, आप कुछ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये वाला नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम देखते हैं दो एग्जांपल। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड इज, जिसके दो साइड दिए गए हैं। एक हमें पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया जिसके साइड वेक्टर ओए है। तो वेक्टर ओए क्या है, थ्री आई कैप एंड प्लस टू जे कैप एंड माइनस थ्री के कैप, थ्री के कैप। एंड वेक्टर ओ भी इक्वल टू क्या है, एंड वेक्टर ओ भी इक्वल टू माइनस टू आई प्लस जे माइनस के, ठीक, इस तरह से। यानी कि दो एडजेसेंट साइड दिए गए हैं, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी इक्वल टू क्या होगा, एक लाइन हम खींच लेते हैं और आई कैप जे कैप के कैप और यानी थ्री टू माइनस थ्री माइनस टू वन एंड माइनस वन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई कैप लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टू इंटू माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे थ्री इंटू वन, ठीक है, और माइनस जे कैप हो जाएगा, तो ब्रैकेट में, यानी कि इस तरह से इसको इसको जब फाड़ लेंगे हम, इसके बाद क्या बचेगा, यानी थ्री इंटू माइनस वन और माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस दिया गया, प्लस फिर माइनस करेंगे, माइनस थ्री इंटू टू, ठीक है, और प्लस के कैप, ए कैप जब करेंगे तो ए वाला जैसे टर्म, इसको हम कर लेंगे थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू माइनस टू, ठीक, ये हो जाएगा। और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, अंडर रूट थर्टी वन, यानी आई कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस सेवन के कैप आएगा। और उसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट 131 आ जाएगा, क्या आएगा 131। एंड नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या है क्वेश्चन, ए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, यानी कि एक फोर्स को एक पॉइंट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे तो वन माइनस टू एंड फोर, और क्या है, यानी कि वी पॉइंट दिया गया ए बी के द्वारा, वेक्टर ए बी के द्वारा जो है इसको हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट। अब इसको हम निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द पॉइंट, एक पॉइंट पे फोर्स जो है काम कर रहा है, ठीक, फाइव टू माइनस थ्री पर, फाइव टू थ्री पर जो है ये फोर्स, यानी फाइंड इट्स मोमेंट। अब इसका मोमेंट निकालना है किसके अबाउट, एक पॉइंट दिया गया माइनस टू थ्री एंड फाइव, लेट इट इज पी, लेट यानी कि पी पॉइंट है माइनस टू थ्री फाइव, तो हमें मोमेंट निकालना है। तो वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, वेक्टर एक मतलब हो जाएगा, यानी कि फोर्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, फोर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वेक्टर एफ इक्वल टू, आप देखिए वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए जब करेंगे हम दोनों, तो फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप एंड माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक, लेट ओ बी द पॉइंट माइनस टू थ्री फाइव, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओ ए, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, ठीक है, तो पॉइंट निकल आएगा,
पॉइंट निकल आएगा, जैसे वेक्टर आर, वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओ ए इक्वल टू क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप एंड माइनस माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप इक्वल टू क्या हो गया, थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप एंड माइनस के कैप। ठीक, माइनस हो गया के कैप और वेक्टर एफ एम क्या होगा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ यानी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप, इसको लाइन खींच लीजिए, थ्री माइनस फाइव माइनस वन एंड क्या है फोर, फोर और माइनस वन, क्या फोर फोर क्या हो गया माइनस वन, क्या हो जाएगा नाइन आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस थर्टी टू के कैप। जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट नाइन का स्क्वायर एट्टी वन एंड माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा प्लस एंड थर्टी टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024, समझ में आया 1024 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग जो है वीडियो अंत तक देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।